तो गाइस एक बार जल्दी सारे लोग कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि आप लोग ऑडियो वीडियो क्लियर तरीके से जा रही है नहीं जा रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सारे लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से फटाफट तरीके से कन्फर्मेशन दे दी जाइएगा कि सभी को आवाज़ आ रही है सही तरीके से। विशिंग स्प्लेंडेड ब्राइट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑडियो वीडियो क्लियर, थैंक यू फॉर द कन्फर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट तरीके से अपने आज के सेशन को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग के लिए ऑलरेडी अभी बापा मौर्या सेल चल रहा है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बैचेस लेना चाहते हैं। और बैचेस आप तभी लेना चाहेंगे जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैम कैसा तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस में आएगा, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, वो सारी की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। नाउ लाइक 566 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा आपको बैच मिल जा रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को कूपन कोड क्या यूज़ करना है, दिव्या का, ऑलवेज़ ऑलवेज़ गो फॉर सुपर पैक। हमेशा जब भी आप बैच पैक परचेस करने जाएं तो ध्यान रखेंगे इस बारे में कि आप सुपर पैक के साथ जा रहे हैं। सुपर पैक में आपको सब कुछ मिलता है, सारा बैच मिलता है। इंडिविजुअल बैच लेने जाओगे तुम दो बैच ही लोगे और ये प्राइस आपको पड़ जाएगा डिस्काउंट में, है ना। डिस्काउंट में अगर आप दो बैच भी लेने जाओगे ना, मैंने कहा एक दिल्ली पुलिस का बैच ले लिया आपने और एक स्टेनो का बैच ले लिया आपने, ख़त्म, आपके लग गए 1000 रुपये उसमें, 1000-1100 रुपये उसमें लग जाएंगे आपके। यही अगर आप सुपर पैक ले रहे हो तो उसमें दिल्ली पुलिस हो गया, स्टेनो हो गया, GD हो गया, MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, ठीक है, सारे एग्जाम्स जो हैं आपको किसमें इसी के अंतर्गत आप लोग को मिल जाएंगे। डन रोशन मैम, मेरा CGL प्री क्लियर हो गया, मेरा GS बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छे से CGL Tier 2 निकालो, ध्यान दीजिएगा। अब ये बात समझ में आ गई सभी को, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैचेस है। कूपन कोड आपको याद रखना है, कूपन कोड आपको यूज़ करना है कैपिटल लेटर में दिव्या का, तो आप इस प्राइसेस पे आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको टेक्स्ट बुक का सिर्फ पास लेना है तो उस आपके पास पे भी ऑफर चल रहा है, डू यूज़ द कोड, वहाँ आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, दिव्या पास। चलिए ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़े सेशन की तरफ। सारे लोग रेडी? अरे आज तुम लोग सो रहे हो क्या? आज तुम लोग ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं ना कि यार हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम वो काम नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कई बार चीज़ें दूर कब लगती है, जब हम अपनी उम्मीदों में और अपनी सोच में चीज़ों को दूर रखते हैं। कहते हैं ना कि जब आप में हौसला हो आसमान छूने का, फिर देखो कि कितनी दूरी है धरती और आसमान के बीच में, तुम्हारी कोई लिमिट नहीं रहती है। द मोमेंट तुमने ये चीज़ सोच लिया है कि मुझे करना है, मतलब करना है, फिर कोई लिमिट नहीं रह जाती है चीज़ों में, है ना। आइए, आज लगता है सुबह सुबह सारे लोग सो रहे हैं। आग तो आज मेरी भी नहीं खुल रही थी यार, बहुत मुश्किल से आग खुली है। सौरव, बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं, किसको बोलते हैं? आपको पता है दामोदर नदी, इसके लिए झगड़ा चलता है बंगाल का और किसका, झारखंड सरकार का। इसके लिए जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, वो चलता है किसमें, बंगाल और झारखंड में चलता है। चलो ये तो हो गई मैम, दामोदर हो गई किसके लिए मैम, बंगाल के लिए। अगर पूछते बिहार का शोक, ठीक है, अगर बिहार का शोक पूछते तो आप क्या बताते,
आप बताते कि मैम कोशी अच्छा ये जो ब्रिक्स है ब्रिक्स में बी क्या है प्लीज डोंट टेल मी कि ब्रिक्स में बी जो है ये आपका बांग्लादेश तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी कंडीशन में नहीं हो सकता है नेक्स्ट ईयर G21 की अध्यक्षता कौन करने वाला है बताइएगा अरे मत दो मेरे लिए जान यार हमको कसम से जान नहीं चाहिए आजकल लोग एफर्ट देने वाले लोग हैं ही नहीं है ना मैं जान दे दूंगा मैं ये कर दूंगा एफर्ट्स देना ही नहीं है किसी को भी लाइफ में बहुत बढ़िया क्या बोला मैम ब्राजील ब्राजील के बारे में क्या आता है कि मैम 100 कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है क्या आता है कि कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है और यहाँ पे स्नेक लैंड ऑफ स्नेक्स जैसे तुम्हारे यहाँ पे होते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे क्या नाम है यार इसका रिश्तेदार होते हैं ना हाँ बस 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 खत्म कहानी अगला मीरालाली साराभाई जो है ये किस चीज़ से बिलोंग करती थी इनकी अपनी एक एकेडमी भी थी इन्होंने अपनी खुद जिस जहाँ से शिक्षा दीक्षा इन्होंने अटेंड करी थी वो आपका कहाँ था अहमदाबाद हम बात कर रहे हैं शी इज़ अ क्लासिकल डांसर क्या मैम नेक्स्ट वन हु इज थॉट टू हैव द इन्वेंट द थर्मोस्कोप थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया गाइस आवाज आ रही है आप लोग को एक बार बताना ठीक है कहाँ गए गैलीलियो भैया हाँ कॉपरनिकस अच्छा किसने कहा था कि धरती जो है ये फ्लैट नहीं है बताओ जरा अगला इनमें से कौन सा एक मेमोरियल नहीं है डेड पर्सन का जवाब दीजिएगा मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए तो नहीं बनाया गया है मैम आज आपके सबसे बड़े फैन का बर्थडे है कौन है वो हु इज ही आप लोग बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते हैं फटाफट तरीके से बताइएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही जवाब है चलिए चार मीनार भैया चार मीनार को बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कुली कुतुब शाह का मकबरा किसके लिए बन रहा था मैम दिलरस बानो के लिए बना ये कौन थी औरंगजेब की पत्नी थी ठीक है कहां पे बनाया औरंगाबाद छत्रपति शांबाजी नगर जिसका नाम चेंज कर दिया गया है वहां पे बनाया गया ताजमहल कहां बनाया गया मैम ताजमहल है आपका आगरा उत्तर प्रदेश में किसके लिए मुमताज महल के लिए इतमुद्दौला यानी मोती महल आगरा में बताओ ये किसके लिए बनाया गया बताओ इतमुद्दौला किसके लिए बनाया गया ये भी आपका आगरा में स्थित है फटाफट तरीके से
जल्दी से, मोती बाग कह सकते हो, मोती महल कह सकते हो, जो मर्जी है वो कह लो, क्या फर्क पड़ता है। अगला, भारत के संविधान में सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1950 या 1951? जल्दी बताएंगे। मैम आगरा में शाहजहां ने बनाया था, बहुत बढ़िया बात है। देखो क्या हुआ था, 1951 में बनाया गया था, बहुत सारी चेंजेस करे गए थे, किसमें चेंजेस करे गए थे? चेंजेस किसमें किए गए थे मैम? आपके मौलिक अधिकार में चेंजेस करे गए थे। किसमें? आपके फंडामेंटल राइट्स में इसको चेंजेस करे गए थे। और क्या किया गया था मैम इसके साथ? एंड जमींदारी सिस्टम में चेंजेस किए गए थे, जमींदारी सिस्टम हटाया गया, लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, लैंड रिफॉर्म्स में जमीन सुधारक कानून लाया गया था 1951 में। पंजाब में इमरजेंसी कब लगती है? प्रेसिडेंट रूल। पंजाब में इमरजेंसी किस साल में लगती है? जल्दी बताएंगे सारे लोग। हाय तौबा, पानी नहीं है, चलो ठीक है, बताओ जल्दी से, पंजाब में किस साल में इमरजेंसी लगती है? जल्दी से, 51 में। ओके यस, बाय मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वन, कर्णा मलेश्वरी जो है ये किससे जुड़ी हुई थी? वेट लिफ्टिंग से। बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते थे इन बहनों ने भी, बहुत सारे गोल्ड मेडल जो है ये जीते थे, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सा सैटेलाइट है टू ऑर्बिट मून? लूना, बताओ कौन सा लूना है ये, लूना 2, लूना 10। देखो लूना हो जाता है तो रशिया हो जाता है, एपोलो हो जाता है तो यूएसए हो जाता है ना? यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 अप्रैल 1996 को ये छोड़ा जाता है, तुम लगा लो ये 3 अप्रैल मतलब 1996 को यहाँ पहुँचता है। होता क्या है, विल टेल यू गाइस, तुम्हारे वो याद होगा उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, बड़ा तगड़ा तगड़ा वाला प्रेशर था। रशिया जो है वो पहुँच जाता है, लूना जाता है, 3 आवर के चक्कर काटता है, ऑर्बिट के चक्कर काटेगा, सब कुछ करेगा। तो अब भैया यूएसए के लिए तो बेइज्जती वाली बात हो गई, यूएसए ने बोला कि हमने अपना आदमी ही उतार दिया है। बाद में यूएसए क्या बोलता है कि नील आर्मस्ट्रांग हमारे तो आदमी ही उतर गए हैं चांद पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज़ एक बार कभी इतिहास से पहले हुई है तो क्या वो दोबारा रिपीट नहीं होगी? ज़रूर होगी। और इतने समृद्धि वाले देश हैं तो आज तक मून पे कोई और क्यों नहीं जा पाया? कई सारी बातें आई कि मून पे गया नहीं था, प्रेशर की वजह से उन लोगों ने दिखा दिया जल्दी जल्दी में कि हाँ भैया हमारे यहाँ से ये गया है ना? यस मैम, मैम लूना 2 होगा, मैम मारेंगे थप्पड़ देंगे, एक व्यक्ति ने बस बोला मैम लूना 10 होगा, वरना मैंने यहाँ पे लूना 2 पे टिक लगाया तो बस काम खत्म। चलो डन रहा, तो हमने क्या बोला मैम, लूना 10। अगला, टीवी के लिए सरकार मुफ्त दवाएं देती है, अब दवाएं कहां मिलेंगी आपको? सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं।
सरकारी अस्पतालों में आपको दवाएं जो हैं आपको दी जाती हैं। जल्दी से बताइएगा ट्यूबरक्लोसिस डे हम किस दिन पर मनाते हैं? बताइए बच्चा, मैं सबके मैसेजेस देख रही हूँ, बताइए। चौबीस मार्च, 24 मार्च। कभी पूछ लिया तुमसे कि बताओ भैया कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने इस बैक्टीरियम को फाइंड कर लिया था कि टीवी जो है ये किसकी वजह से होता है, ये रीजन जो किसने फाउंड कर लिया था? तो डॉक्टर साहब का नाम जरूर लिख दीजिएगा, डॉक्टर साहब का नाम याद रखिएगा। क्या हमने कहा? डॉक्टर रॉबर्ट कूच। नेक्स्ट वन, डू और डाई एक फेमस स्लोगन था, ये स्लोगन किसने दिया है? ये डू और डाई स्लोगन जो आया है, तुम्हें याद है क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका लागू किया गया था जब आपके यहाँ पे क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रपोजल फेल कर गई थी, बताओ किसने दिया था? जल्दी 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 जल्दी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। हुआ क्या था मैं बताती हूँ, क्रिप्स प्रपोजल भारत आया, क्रिप्स प्रपोजल भारत में फेल कर गया। क्रिप्स प्रपोजल यानी कि क्रिप्स मिशन भारत आया, वो फेल कर गया। क्रिप्स मिशन कह दो, क्रिप्स प्रपोजल कह दो। उन्होंने खेल खेल लिया कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो हम इसको लागू नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वाली चीजें। फाइनली हमने क्या लॉन्च कर दी? हमने अगस्त क्रांति लॉन्च कर दी। आप इसे अगस्त क्रांति कहते हैं, आप इसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, जहां गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। इसकी हीरोइन बोलते हैं अरुणा अशरफ अली को। अरुणा अशरफ अली को इस पूरी क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरोइन बोलते हैं। एक व्यक्ति है जिनको शहादत प्राप्त हुई थी इस दौरान पे, बताइएगा उस व्यक्ति का नाम क्या है? डू और डाई की इनकी इस टाइम पीरियड पर एक व्यक्ति का नाम बताइएगा। जिनको शहादत प्राप्त हुई थी, लाला लाजपत राय? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैंने, अरे क्विट इंडिया के दौरान पे किसकी मृत्यु हुई थी मैंने वो पूछा है। तुम लोग 1928 का बात बता रहे हो? दिमाग उमा खराब हो गया है क्या? हम ये अगस्त क्रांति बोल रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहे हैं, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मनाने आया है क्रिप्स प्रपोजल हम लोग को। क्या हुआ है तुम लोग को? अरे पूछ रहे हैं कि क्रिप्स प्रपोजल के बाद जब ये लॉन्च किया गया तुम लोग का अगस्त क्रांति, किसकी मृत्यु हुई थी उस दौरान पे, किसको शहादत प्राप्त हुई थी? मात्र एक व्यक्ति को। कौन था वो व्यक्ति? जैसे अरुणा अशरफ अली हीरोइन थी वहां पे, बहुत अच्छा काम करी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पे किसको शहादत प्राप्त हुई थी? गजब आदमी हो तुम लोग यार बॉस। कस्तूरबा गांधी? वीडी सरवाकर? क्या हुआ है तुम लोग को? सर पे चोट वोट लगी है क्या तुम लोग को? अरे नालायक, वीडी सरवाकर वो गांधी जी का हथियारा माना जाता है, मतलब लोगों के द्वारा माना गया था उस दौरान पे, है लोगों का एक मिसकंसेप्शन हो गया था कि जिन्ना को वीडी सरवाकर साहब फॉलो करता था इसलिए वो मारा गांधी जी को। कानकलता बरुआ होगा मैम, कुछ नहीं हो सकता है तुम लोगों का, कुछ नहीं हो सकता है। तुम लोगों ने ऐसा ऐसा भी बात बोला है, मतलब एकदम नानी दादी चाची कर दिया तुमने इसका पूरा का पूरा। अरे
अरे साइप्रस बताओ किसकी राजधानी है? साइप्रस में करेंसी हम बता देते हैं। चलिए, निकोशिया निकोशिया निकोशिया। निकोशिया कहाँ पर है मैम? ये आपकी ईस्ट में यूरोप में एक आइलैंड है जो किसका नाम है? साइप्रस। और उसकी कैपिटल क्या है? निकोशिया। उसके यहाँ करेंसी कौन सा चलता है? यूरो। मेडिटेरियन सी है ना, उसके पूरब में बसा हुआ है। आप इसको डिस्टेंस ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका जो मेडिटेरियन सी है उसी के पूरब में आपका ये बसा हुआ है। ठीक है, अगला। पेनिसिलिन को मैम किसने इन्वेंट किया था? जल्दी बताएंगे। रेमेडी है ना, रेमेडी है ये। रेमेडी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था, टू फाइट द बैक्टीरिया। यस, कोई डाउट किसी को इसमें? अगला, एक निकनेम था, बताइएगा, रियल डील बोल के किस बॉक्सर का निकनेम था? जल्दी से। बोले तो मैम ये अनडिस्प्यूटेड रहा था, ये व्यक्ति जो है अनडिस्प्यूटेड रहा था, एवेंडर होलीफील्ड। किसके बारे में कहा? एवेंडर होलीफील्ड। नेक्स्ट वन, रॉल्ट एक्ट जो है ये किस साल आपका पास किया गया था? अब रॉल्ट एक्ट क्या था मैम? रॉल्ट एक्ट को काला कानून बुलाया था। किसने बोला था? गांधी जी ने। कोई तुम्हें अरेस्ट कर ले और अरेस्ट करने के बाद बोले कि वी आर नॉट गिविंग यू द राइट्स ऑफ ट्रायल, हम हमें आपको ट्रायल का अधिकार जो है ये हम आपको नहीं देंगे। तुम अरेस्ट मतलब बेटा अरेस्ट, खत्म कहानी। उसके बाद कि क्या है गाथाएं, क्या है कहानी, हमें मतलब ही नहीं है उस चीज से। तुम जिंदा हो, तुम बचे रहोगे, क्या रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला, इनमें से कौन सा चॉइस है विकल्प सुनामी का कारण बन सकता है? बताइएगा, इनमें से सुनामी का कारण कौन सा बन सकता है? एकदम दे दो, बिहार पुलिस का भी एग्जाम सिलेक्शन हो गया है तो हो गया है। अग्निवीर तुम्हारा कुछ वक्त के लिए है, बिहार पुलिस दे दोगे तो हो जाएगा हमेशा के लिए। मैंने कहा वाटर बॉडी के अंदर ना बहुत जल्दी जल्दी हलचल हो रही हो आपकी, है ना? क्या बोला मैंने मैम? कि वाटर बॉडी के अंदर जो है डिसरप्शन हो रहा हो। भैया बड़ा बवंडर है, सुनामी आ गया। अगला, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये अच्छा सवाल है। भारत की खोज कब की थी? ये गलत जवाब सवाल है, क्योंकि इनको भारत बाद में मिला, भारत एग्जिस्ट बहुत पहले से करता था। 1498 में कहाँ आता है? कैलिकट आता है। कैलिकट आने पे कौन था? किंग जमोरिन, जो यहाँ ऑलरेडी बैठा था। जब ये भारत आते हैं तो यहाँ पे कौन कौन थे जो ट्रेड कर रहे थे? अरब की ट्रेडिंग बहुत पहले से चल रही थी। अब ये आया कैसे मैम? इसको मिल गया रास्ते में एक गुजराती। अब हम लोग शक्ल से पहचान में आने वाले लोग हैं कि भैया हाँ हम इंडियन हैं, तो पहचान गया। कुछ किताबें ये कहती कि बंदी बना लिया था उसने और फिर आया। गुजरात के ट्रेडर के जरिए कुछ कहते कि उसको बैठा के पूछा कि भैया तुम भारतीय हो, चलो हमें बताओ भारत कहाँ पे है, और फिर वैसे वो पहुंचता है कैलिकट।
मेन इनका मकसद था कि जब यहाँ पे आए तो स्पाइसेस में, मसालों में इनका बड़ा ही ज्यादा ध्यान था। तो जब ये आए तो इन्होंने देखा उस टाइम पे ना ब्लैक पेपर का बड़ा ही चक्कर था। किसका? काली मिर्च का। आज भी बड़ी महंगी मिलती है ब्लैक पेपर। हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, अगर आप चाइनीज़ खाना वाना बना रहे हो ना घर में तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसमें ब्लैक पेपर का। चाइनीज़ यूज़ कर रहे हो, आप कॉन्टिनेंटल खाना खा रहे हो तो जनरली उसमें ब्लैक पेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खैर ध्यान दो, हम लोग तो अपने घर में चाय बना लें ब्लैक पेपर वगैरह डाल के, मसाले वाली चाय बोल के पी लें हम लोग, ठीक है। अच्छा भुंजा खाते ना, भुंजा में हम लोग वो ब्लैक पेपर दे लें अच्छे तरीके से, फिर उसको खा लें बैठ के। चलिए ध्यान से सुनिएगा, किसका मैसेज आ गया इतनी सुबह सुबह? अच्छा हमारी कंपनी का है। नेक्स्ट वन। तो ये बात हुई भैया इनका ब्लैक पेपर जब यहाँ पे आए तो देखते हैं कि ब्लैक पेपर 20 गुना ज्यादा दामों में इनको अपने देश में मिल रहा था, 20 गुना ज्यादा में। खैर जमूरी बड़ा लालची आदमी था, इसको सब पैसा वैसा देता था, अमीर देश में रह रहा है, जो आएगा हमारी आवभक्त करेगा, उसी एटीट्यूड में थे ये लोग और क्या। फिलहाल समझ जाता है कि बहुत पैसा है यार भारत में, भारत ही में रहने का चीज़ है, जाता है अपने देश वापस बहुत सारा सामान भर के, अपने लोगों को बताएगा, ख़त्म कहानी। सम्राट अशोका किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसारा का। सम्राट अशोका, चलिए बहुत बढ़िया। वन ऑफ, एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द, अगर मैं बोलूंगी वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर क्रिएट किया था एंशंट इंडिया में बेटा। ये पोता था, पोता किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, एम्परर सम्राट, द ग्रेट सम्राट अशोका। जी हाँ वही सम्राट अशोका जिन्होंने बाद में जाके, आगे जाके बुद्धिज्म धर्म के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना काम किया था, बौद्ध धर्म में इन्होंने अपना अपना लिया था बौद्ध धर्म, तो ऑब्वियस सी बात है हम काम करेंगे ही। कुचिपुड़ी बताओ कहाँ का है? कुचिपुड़ी, हाँ बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ठीक है डन। चलिए भरतनाट्यम, कौन कौन सा नृत्य आपका कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? अगला, नेक्स्ट वन। कोणार्क टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है? जवाब दीजिएगा। गंगा वंश चला करता था आपके उड़ीसा में, कौन सा वंश? गंगा वंश चला करता था आपके उड़ीसा में, बताइएगा किसके द्वारा बनाया गया है। जल्दी जल्दी जल्दी, मैम मैम, नरसिम्हदेवा, नरसिम्हदेवा प्रथम, बहुत बढ़िया, नरसिम्हदेवा प्रथम। नरसिम्हदेवा प्रथम कौन थे आपके? गंगा डायनेस्टी के शासक रहे थे, मैंने बताया था ना गंगा वंश चलती थी ओडिशा में। कहाँ पर है कोणार्क सन टेम्पल आपका? ओडिशा में मौजूद है आपका। आप चाहे इसको अपना सन टेम्पल बोले, चाहे आप इसको टाइम के लिए जाने, पहले टाइमिंग वाइमिंग पता चल जाता है इस मंदिर में, आप इसे ब्लैक पगोडा बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो इसे? ब्लैक पगोडा, किसे बोलोगे? इसे बोलोगे, डन। कहाँ पर है मैम आपका? उड़ीसा में है। चार धाम में से एक धाम जो है आपका जगन्नाथ पुरी है ना, पूरब का धाम कहाँ है? वो भी उड़ीसा में ही है,
थार डेजर्ट जो है पाकिस्तान में, उसे क्या बुलाते हैं? उसे चौलस्तानी बुलाते हैं। अब देखो, थार का आधा भाग हमारे पास है, तो आधा भाग उनके पास भी तो है थार का, है ना? हाँ, गोभी बेटा कोल्ड डेजर्ट है, ध्यान रखना। ये जो प्रेसिडेंट पुतिन बन के आए, इतना मार मारेंगे ना तुमको। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हम आपसे इम्प्रेस हुए कि आप रशिया के एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहेंगे, क्योंकि आप रशियन से कमाल हो। अच्छा बेटा, तुम लोग हमको जिस दिन मिल गए ना सामने में, और पता चला कि ये व्यक्ति था जिसने ये चीज़ कमेंट लिखता था, जो कसम से बता रहे, बहुत मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। हमारे यहाँ पता है क्या करते हैं, पाँव हाथ में इंसान को पट्टा बांध देना चाहिए, और फिर बेल्टे बेल्ट रगड़ना चाहिए कि ना इधर घूमे ना उधर घूमे, एकदम पट्टा से हाथ वाथ बांध देना चाहिए। हम लोग को हंसी आ रहा है कमेंट बॉक्स में, बहुत ज्यादा पढ़ो। अच्छा, शेप क्या है अर्थ का? अगर तुम पाकिस्तान की बातों को ना मानो, ना अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे, अर्थ बस खड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है बताओ जरा? बताओ बताओ बताओ। नहीं, पाकिस्तान के हिसाब से कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के हिसाब से तो हमारा अर्थ पूरा का पूरा ही फ्लैट है, ओब्लेट है। यस, किस प्रकार का है मैम? ओब्लेट फेयर का है। पोल्स है हमारे यहाँ, हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पोल्स है, हम बोलते हैं। मैम हमें जाना है 8 लाइट ईयर। कहाँ मैम हमें जाना है? कहाँ पे जाना है मैम? तो हमें देखो ना क्या हो गया मुझे, मैं 8 मिनट को 8 लाइट मिनट बता रही हूँ। लाइट ईयर समझ रहे हो कितना है लाइट ईयर? ये हालत होता है अगर आपने ऐसे ऐसे बच्चों के कमेंट देखने शुरू कर दिए, तो ये हालत हो सकता है आपकी, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बात समझ में आ गई? इकलौता प्लैनेट है जिस पे भैया अपना जीवन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और इतना बदमाश जीवन एग्जिट कर रहा है, इतना बदमाश जीवन है कि हर लोग स्वार्थी बैठा हुआ है। बाप रे बाप, उफ, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नहीं, 8 लाइट ईयर में तो बाबा सब तबाही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्या बता दोगे? बड़ा हम बता दोगे कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर कौन सा आ गया? अफ्रीका आ गया। फिर कौन सा आ गया? नॉर्थ अमेरिका आ गया। फिर कौन सा आ गया? साउथ अमेरिका आ गया। फिर कौन सा आ गया? एंटार्क्टिका आ गया। फिर यूरोप आ गया। फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। नॉर्थ, साउथ, एंटार्क्टिका, यूरोप, एंड देन तुम्हारा व्हाट? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा पड़ गया, याद रखिएगा। सबसे पहली बार पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसने खेला था? जवाब दीजिएगा। सबसे पहला एटीन फोर्टी फोर में आपका ये खेला गया था, और मुझे लगता है कि 23 या 24 रन से जीता था ये। डिस्टेंस जो हुआ अब था, 23 या 24 रन से क्या हुआ था मैम? जीता था। कौन जीता था? कनाडा जीता था। अभी पता नहीं कनाडा का थोड़ा सा दिमाग वमाग थोड़ा सा सटक गया है क्या? कोई बात नहीं, इंडिया सब ठीक कर देता है। ट्रेड हमारे यहाँ से बंद करेगा, बताओ। पिछला साल तक खाने को उसको पैसा नहीं हो रहा था, ट्रेड बंद करेगा हमारे साथ। कितना अच्छा पीएम है, कितना अच्छा फैसला ले रहा है अपने देश के लिए। सोच रहे हो कि पूरी आबादी को हम डुबा देंगे, बर्बाद कर देंगे। हमारे यहाँ अभी तो मैगी बस तुमको 200 रुपए की मिलती है ना, 5 रुपए वाली मैगी।
एक बार जाके रेट लिस्ट चेक करो कि जो सामान यहाँ मिलता है वो सामान वहां कितने मिलता है, चावल वहां कैसे मिलता है, इसलिए लोग भर भर के जाते हैं। पूरे जगह अब देखो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी हो गया, आ गया हमारे यहाँ, समझ रहे हो, हर जगह का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ है, किंग जोंग है हमारे यहाँ, पुतिन आया, पुतिन आया तो यूक्रेन वाले भी आ गए। बाबा रे बाबा, तुम लोग को एक्टिंग कोई मात नहीं दे सकता है। लोग फालतू में कहते हैं कि लड़कियां एक्टिंग अच्छा कर लेती हैं, ये कर लेती हैं, सब बकवास। तुम लोग को एक्टिंग में कोई मात दे ही नहीं सकता है। तुम लोग ऐसे अपना चेंज करते हो ना पल में। मेन एक्यूज कौन था आपके साथ बताइएगा, मेन एक्यूज कौन था? बटुकेश्वर दत्त साहब चल क्या रहा था, दो बिल था, एक बिल आया था पब्लिक बिल और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। क्या बोला, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके लिए इन्होंने डराने के लिए बाहर बॉम्ब फेंका था। ध्यान रखना ये दो बिल, मैं गारंटेड देती हूँ कि तुम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस बिल के बारे में, कौन सा, पब्लिक सेफ्टी बिल और, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल पे। सीडीएम स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड आई हैव टू ड्रिंक सम वाटर अदरवाइज। देखो हम समझ सकते हैं कि तुम लोग को पैसे से बड़ा प्यार है, जय बजरंगबली। देखो हम समझ सकते हैं कि तुम लोग को पैसे से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है तुम लोग को पैसे से। मैं तुम लोग के कमेंट बॉक्स देख ही रही थी, है ना, कैश डिपॉजिट मशीन वाले कमेंट्स, ग्रेट आंसर गाइस। सब कैश डिपॉजिट बता रहे ना, सबको पैसे से प्यार है, सबको पैसे से प्यार है। यहाँ पे भले क्या नेचर है, क्या इन्वायरमेंट के बारे में आप बताओगे हमें, क्या सस्टेनेबल ग्रोथ बताओगे आप हमें। धत मैम पहले पैसा जरूरी है ना मैम, क्या बोले मैम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्या बोला हमने मैम, और यहाँ होता है मैम बहुत लोगों का जवाब गलत, कार्बन इमिशन कंट्रोल करना है। बताओ किसको कार्बन इमिशन को, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आ रहे हैं, इथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं G20 में कि हमको 2030 तक सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, व्हाट वी विल यूज, तो हम लोग ये इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। हमारी क्लास में मोदी जी भी आ गए हैं, ये रशिया और यूक्रेन वाले छपरी हैं मैम, इससे बढ़िया तो आप इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बन जाइए, कम से कम आज के यूथ आपको देख के पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या बात है, क्या बात बोले हो तुम लोग को, अरे केस हो जाएगा रे नालायक, पढ़ो ठीक है भैया। तो पैसे वाले लोग इधर आइए, मक्का मस्जिद हैदराबाद वाला जो है वो किसके द्वारा कंप्लीट कराया गया था, वो कराया गया तुम्हारी औरंगजेब के द्वारा कंप्लीट कराया गया। फिलहाल के वक्त पे हैदराबाद तुम्हारा कहाँ पर है, फिलहाल के वक्त पे आप लोग का हैदराबाद है तेलंगाना में, फिलहाल के वक्त पे आपका हैदराबाद कहाँ है मैम, तेलंगाना में। बात समझ में आ गई, मुसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। आज सबने बस मत जवाब दिया कैश वाला, मैं तो याद रखूंगी कैश वाला जवाब तुम लोग का, ठीक है ठीक।
जाता है कि 1614 में काम शुरू हुआ था और 1669 में कंप्लीट हुआ। मैम इसका नाम मक्का मस्जिद क्यों रखा गया? मैम यहाँ तो मूर्ति भी नहीं लगाते हैं कि हम नाम रख ले कि हाँ वो मूर्ति भगवान की थी, मक्का मस्जिद है मैम, तो क्यों रखा गया था? बेटा मिट्टी लाई गई थी, सॉइल लाई गई थी, कहाँ से? मक्का से इसकी मिट्टी जो है वो मंगाई गई थी, इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको? मक्का मस्जिद बोलते हैं। मक्का मदीना है ना सऊदी अरेबिया, यस, वहीं से इसकी मिट्टी मंगाई गई थी। बात समझ में आ गई? इसको बनाने के लिए मेन रीजन इसके पीछे का यही है कि इसको आप इस वजह से बुलाते हो। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है मैम? हैदराबाद जो है ये आपका मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। बात समझ में आ गई? योगी आदित्यनाथ भी आ गए क्लास में, अरे शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग काम। एक बात बताओ, एक मैमल हमारे यहाँ, एक इंटेलिजेंट मैमल हमारे यहाँ पे कौन सी है? डॉल्फिन। गंगा नदी में कहाँ पाई जाएगी? गंगा नदी में जाओ और मिलेगा, बहुत ही समझदार होती है, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तुमसे ज़्यादा समझदार है, कल्चरल लर्निंग कर सकती है। तुम लोगों ने वो वाला वीडियो देखा रशिया में जो किम जोंग यंग को ट्रेनिंग दी जा रही थी? अरे किम जोंग यंग को ट्रेनिंग दिया थी, मैमल था ना उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो प्रणाम कर रहा था, क्लैप कर रहा था, झुक रहा था, कुछ भी कराते आदमी तो, आदमी जानवर को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। अगला वेजिटेरियन होता है ये, ध्यान देना ये क्या कह रहा है। एक संशोधन लाया गया था इंदिरा नेहरू गांधी जी के द्वारा, वो अपने आप में इतना चेंज था उसमें कि उसको धीरे धीरे लोगों ने लघु संविधान बोलना शुरू कर दिया था, और वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब ये पूछेगा कि जो मैडम इंदिरा नेहरू गांधी ने इतने सारे संशोधन जो कर दिए संविधान में, ये संशोधन करने का अधिकार कौन देता है? तो ये संशोधन करने का जो इनको अधिकार दिया, वो अधिकार दिया किसने? आर्टिकल 368 ने ये अधिकार दिया, जो अधिकार आपकी भाग 20 में पाया जाता है, ठीक है? आर्टिकल 368 जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? अब जैसे यहाँ पे 74th अमेंडमेंट है, अगर मैं तुमसे पूछूँ 73rd अमेंडमेंट, तो 73rd अमेंडमेंट तुम्हारा किससे जुड़ा है? पंचायत से जुड़ा है। अब उसी को तुम ना कंटिन्यू कर दो, 73rd संशोधन जो है वो पंचायत से जुड़ा है ना, वेरी गुड। तो 72nd किससे जुड़ा होगा बेटा फिर? वैसे 74th कह रहा है कि आप कॉमन फ्रेमवर्क बताइए स्ट्रक्चर के लिए, कि कैसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट काम करेगी और कैसे पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। 73rd क्या बोला है तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे, छोड़ो। अगला, किस साल में ओली रूमर ने मेजर किया था स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहली बार? किस साल में किया था? जल्दी से बेटा, एस्ट्रोनॉमर था बेटा, सबसे पहली बार क्या है, ये डेनिश एस्ट्रोनॉमर था, इसने जुपिटर की जो मून है ना उससे भाई साहब ने अंदाजा लगाया था, उसको इसको उन्होंने मद्देनजर रख के अपना जो कैलकुलेशन है वो इसी के मद्देनजर रख के क्या किया था, फिट किया था। चलो बहुत अच्छा बात है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स जो है ये कहाँ पे खोला गया है? जल्दी मैम, तो उन्होंने लाइट से फास्ट ट्रैवल कर लिया था। नहीं बेटा देखो, जुपिटर का जो मून था ना, तो 68 से 74 तक के दौरान पे इन्होंने कैलकुलेट किया था स्पीड ऑफ लाइट को लेके, इंटरप्रिटेट किया था डिफरेंस ऑफ टाइम, कि लाइट जो है ट्रैवल करता है बिटवीन जुपिटर एंड अर्थ और इस तरीके से। तो स्कूल में एक कंसेप्ट पढ़ा था बॉस हम लोगों ने, काहे चिंता करते हो,
नई दिल्ली में तुम्हारा ये इंदिरा गांधी हेडक्वार्टर जो है ये आपका खोला गया है। बेसिकली क्या है मैम, तो ये स्टडी और एक्सपीरियंस करेगा आपको सोशल स्ट्रक्चर पे, कॉस्मेटोलॉजी में, ठीक है, कॉस्मोलॉजी नॉट कॉस्मेटोलॉजी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को किस नाम से जानते हो? जल्दी से, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को किस नाम से जानते हो? इसको आप जानते हो लॉलीवुड के। उर्दू, पंजाबी, दो प्रकार की भाषाएं हैं जिसमें आपकी ये बनती है। अब अरेबिक में तो नहीं बनेगा। अच्छा, इसका कहाँ पे स्थित है? कराची में स्थित है। हमारा मुंबई में है ना, ऐसा कहाँ पे है? कराची में स्थित है। चलिए भाई अगला बढ़ते हैं। कांदारिया का महादेव टेम्पल जो है इसके बारे में बताइएगा कि कांदारिया का महादेव टेम्पल कहाँ पे है? जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। द ग्रेट गॉड ऑफ केव बोला जाता, द ग्रेट गॉड ऑफ द केव। भाई बात हो अगर महादेव के बारे में तो कैसे पीछे रह सकते हो? खुजराहो का मॉन्यूमेंट कहाँ पर है तुम्हारी? खुजराहो है आपकी मध्य प्रदेश में। अगर आपको मध्यकालीन भारत का, अगर आपको मध्यकालीन भारत का देखना है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बताओ ये किसके द्वारा बनाया गया, चंदेल्स के द्वारा या चालुकास के द्वारा? जल्दी से, ये चंदेल्स के द्वारा बनाया गया है कि चालुकास के द्वारा बनाया गया है? फटाफट से, 9th से लेके 11th सेंचुरी तक के बीच में। मैम चंदेल 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 के द्वारा बनाया गया है। बहुत बढ़िया बात है। किसके द्वारा बनाया गया है मैम? चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है, दिख रहा है क्या तुम लोग को ये टर्म? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा धना। क्या नाम लिखा मैंने? धना। धना राजा थे चंदेल वंश में, जिनके द्वारा बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये किया गया था। याद रहेगा अगली क्लास में। बताओ याद रहेगा? कैसा कैसा आर्किटेक्चर था? बहुत गंदा, मतलब नहीं समझ पाए, दोबारा समझाना। अगला, रेटिनॉल जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए से जुड़ा हुआ है। कहते हैं अगर विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आप लोग देखते हैं बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर में लोग रेटिनॉल का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्किन के लिए। बहुत हानिकारक हो जाता है अगर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करोगे। जस्ट नीड अ पी साइज अमाउंट, उससे भी कम। अगर आपने उसको ज़्यादा यूज़ कर लिया रेटिनॉल को, आपके पूरे फेस पे दाग धब्बे स्पॉट्स पिगमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भर जाएंगे। बहुत बढ़िया। साइंटिफिक नेम साइंटिफिक नेम साइंटिफिक नेम, बहुत अच्छा। नहीं बेटा मैं रेटिनॉल का यूज़ नहीं करती हूँ, थैंकफुली मेरी स्किन थोड़ी सी ब्लेस्ड है। हाँ हो सकता है कि 30-35 साल के बाद आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ने आने लगे, लेकिन नॉट नाउ एटलीस्ट। ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कम ऑन यार इसका जवाब दे दो मैम। 212 212, अरे फ़ारेनहाइट में है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब नहीं, मतलब इसका जवाब जो नहीं देगा वो तो मार खाना जरूरी है उसका। एक बात बताओ, हम जब भी लिक्विड को हीट करते हैं
तो वो क्या होता है, इवेंचुअली ऊपर की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो वेपर प्रेशर जो होगा ये बबल्स छोड़ेगा बॉडी ऑफ द लिक्विड में. अब जब ये बबल्स छोड़े तो देखते हो अरे पानी बॉइल हो गया है, बबल्स छोड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, दैट्स कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट. बस खत्म बात. चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं. संतोष ट्रॉफी, अरे यार मैम फुटबॉल से जुड़ी हुई है. किससे जुड़ी हुई है मैम? फुटबॉल से जुड़ी हुई है. बहुत बढ़िया बात है बेटा. एक है संतोष ट्रॉफी और एक है शुभ्रतो ट्रॉफी. एक है शुभ्रतो ट्रॉफी. शुभ्रतो ट्रॉफी भी जो है ये किससे जुड़ी हुई है? फुटबॉल से जुड़ी हुई है. ठीक है, रणजी कप किससे जुड़ा हुआ है जल्दी से बताइएगा. रणजी कप, रणजी ट्रॉफी कह लो या रणजी कप कह लो, ये किससे जुड़ा हुआ है कमेंट बॉक्स से बताइएगा. मैम क्रिकेट, मैम क्रिकेट, मैम क्रिकेट, मैम क्रिकेट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अगला सवाल आपको बताना, टॉम हैंक जो है ये किससे जुड़े हुए हैं? फिल्मों में इनका नाम है, यस, डोमेस्टिक का जो आप लोग खेलते हो ये उसी से. काती बिहू आसाम में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है लाइटिंग अ लैम्प इन अ फ्रंट ऑफ विच पौधा. किस पौधे के सामने दीपक जलाते हैं? अभी कार्तिक का महीना आ रहा है, ऐसे इसको कार्तिक का महीना बोलते हैं, लेकिन आप लोग फ्लो फ्लो में कार्तिक कार्तिक बोलते हैं कि कार्तिक आ गया है, कार्तिक कार्तिक. हाँ तो कार्तिक का महीना आ गया है. आप लोग देखेंगे कि कार्तिक के महीने में कुछ लोग सुबह उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में. उत्तर भारत में बहुत चलता है, बिहार में, यूपी में, यहाँ बहुत चलता है, बाकी का मुझे नहीं पता. लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उठ के नहा धो के घर का सारा काम हो गया, झाड़ू वाड़ू देना जो भी हो गया, क्योंकि पहला काम आप जो सुबह उठ के करते हो घर पे वो क्या होता है, वो झाड़ू घुमाना जो बोलते हैं हमारे यहाँ पे, लक्ष्मी को से रिलेटेड है वो, कि सबसे पहला काम जस्ट एक बार झाड़ू घुमा दो और उसके बाद डू एनीथिंग अगर आप घर में कुछ कर रहे हो तो. तो उस पूरे महीने में सुबह उठ के नहा धो के क्या होता है, दीपक जलाया जाता है, घी के दिए जलाए जाते हैं, तेल के दिए, जो भी आपकी इस हिसाब से है, तुलसी माँ के पौधे के सामने. किसके पौधे के सामने? तुलसी के पौधे के सामने. इसकी कहानी जानते हो क्यों भगवान कृष्ण पे तुलसी का पौधा चढ़ता है? क्यों तुलसी का पौधा ही भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के पूजा में इस्तेमाल होता है? भगवान विष्णु के तुलसी की माला सुने हैं सबने, तुलसी माला पहने हैं, राधे 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 राधे, तुलसी माला. क्या है कनेक्शन? ये थी वही वृंदा थी, इसका नाम क्या था? वृंदा, जलंधर की पत्नी. जलंधर महादेव का अंश, महादेव का स्वरूप, जो राक्षसों के साइड से खड़ा हुआ था. दिमसा जो है ये ऑफिशियल फोक डांस है कहाँ का जल्दी बताइएगा. हम लोग यहां भी होना चाहिए इस प्रकार का नृत्य, है ना? मैम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश. बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बोडा दिमसा, गुंदरी दिमसा, जितना भी दिमसा है सब है. अब इसमें होता क्या है मैम, एक गांव वाले, एक गांव वाला जो है वो दूसरे गांव वालों से जाके दोस्ती इस्टैब्लिश करता है. इतना बढ़िया बढ़िया लोगों के बीच पहले रिवाज हुआ करता था कि एक गांव वाला दूसरे गांव वाले के पास जाएगा, दोस्ती करेगा, है ना, दोस्ती को इस्टैब्लिश करेगा. और नहीं तो क्या, कहीं कहीं तो लोग मेला लगाते हैं और मेला में बोलते हैं कि तुम लोग मेले में आओ और मेले में आने के बाद शादी करके भाग जाओ, खत्म कहानी. मैक्सिम गोल्ड मेडल्स किसके द्वारा जीता गया है? भले चाइना जो है वो गोल्ड में टॉप पे है लेकिन जीता यूएसए ने है. जीता किसने है मैम? यूएसए ने जीता है. याद रखना, अगर मैं बोलूंगी कि मैम गोल्ड का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, गोल्ड का प्रोडक्शन कह लो, उत्पादन कह लो, तो टॉप नंबर पे कौन है मैम? चाइना है. लेकिन मैम जीता किसने? मैम जीता था जिसके लिए,
हर एक गाना जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं समथिंग समथिंग प्यार करता था। या हीरोइन का तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बॉलीवुड में, अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ हीरो का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम लोग के यहाँ होना जरूरी है। यस यस। नहीं, बेटा हाँ, चाइना सब में आ गए। चाइना फिश में है, चाइना वेजिटेबल में है, चाइना फ्रूट्स में है ना। ऑफलाइन कॉल क्लास होता तो और अच्छे से बताते कि और किस किस चीज में ही आगे है। अगला, हेडक्वार्टर नासा का कहाँ पर है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, टेक्सास। अजय देवगन है मैम उस सॉन्ग में। मैम रवीना टंडन, रवीना टंडन बड़ी मस्त मस्त लगती है ना, पता है मुझे। जल्दी बताओ, हमारे कुछ पॉलिटिशियन के द्वारा चंद्रयान जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। 1958, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन, नासा का मुख्यालय खोला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही कह रहे हो, चलो ग्रेट। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं? भैया वो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत तेज होगा, नॉर्मल कंप्यूटर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी। किसके बारे में कहा मैम? परम 8000, दैट वाज योर सुपर कंप्यूटर। क्या भाई मैम? सुपर कंप्यूटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है किसके किसके साथ शेयर करता है, जल्दी बताओ। गुड, मैं एक दो चीजें लिख देती हूँ। देखो, भारत जो है, भारत 9 देशों के साथ इतना आवाज क्यों करता है? सीमा साझा करेगा, ठीक है, और जिसमें से 7 जो है वो भूमि भूमि सीमा साझा करेगा, और 2 जो है जल पीजिए, जल वाली बाउंड्री को साझा करेगा। तो जल वाली तो तुम लोग जानते हो कि कौन सा है, मालदीव्स है एंड श्रीलंका है। ओके, हम जो सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करते हैं, भारत जो सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है, शॉर्ट बाउंड्री जो भारत शेयर करता है, वो अफगानिस्तान के साथ करता है। सबसे छोटी बाउंड्री। हम जो सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो हम लोग शेयर करते हैं, वो बांग्लादेश के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा इंडिया एंड म्यांमार। अब बांग्लादेश अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? इंडिया और म्यांमार। अरे ईस्ट बंगाली तो है, तो भारत के साथ नहीं करेगा? भारत के साथ, यस यस यस। चलिए गाइस, सो आई होप कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऑल दो आज ऐसी हालत थी कि रहने दो। ओके, सब बढ़िया, सब अच्छा। हाँ दीदी का देखे 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 दीदी का। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से। मोस्ट प्रोबेबली शाम वाम की टाइमिंग आप लोग की शफल होगी फ्रॉम मंडे से। सबकी टाइमिंग चेंज हो रही है, तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स शाम की टाइमिंग थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। फिलहाल आप लोगों से हम मिलेंगे 4 PM पे, एंड 9 PM पे हम मिलेंगे आप लोगों से यूट्यूब पे। 3:30 बजे हम मिलेंगे आपसे मास्टर क्लास में। मिलते हैं आप लोगों से शाम 4 बजे। उसके अलावा कूपन कोड यूज़ करना है आपको दिव्या का, सेल का आज आखिरी दिन है, दिस इज लास्ट डे फॉर योर सेल गाइस, तो मिस मत कीजिए। जिनको भी बैचेस में एनरोल होना है हो जाइएगा, डेली पुलिस में बैचेस जो है मेरी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। चलिए, थैंक यू मैम फॉर द नाइस सेशन, थैंक यू मैम विकास बोरकर, थैंक यू मैम नाइस सेशन, थैंक यू मैम नाइस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।